ऑन पैसिव क्या है, ऑन पैसिव का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑन पैसिव कैसे आपके भलाई के लिए वर्क करने वाली है। ये दुनिया की पहली कंपनी है आपकी, आपको सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं, चाहे आप सिंगल हो। ओके, तो सिंगल वाले घबराइए मत, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए और मैं आपको बता देता हूं आज क्लियरली क्या होना क्या है। ओके, ध्यान से सुनना कि देखिए यहाँ पे एक ट्रू फॉर्म ऑफ बिजनेस है ये। ओके, इसमें आप आए, हम आए, सब आए, बहुत सारे लोग आए। ओके, अभी देखिए आए हैं तो ट्रू फॉर्म ऑफ बिजनेस कैसे चलता है, कैसे चलता है कि कोई चीज है उसको उसको सेल किया जाता है, प्रॉफिट होता है और वो आपकी जो भी प्रॉफिट होता है आपकी जेब में होता है। ट्रू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऐसे चलता है। ओके, जो स्कैम्स होते हैं वो अलग तरीके से चलते हैं, वो आपको मालूम है, आपका पैसा उड़ाने के लिए लेके भाग जाने के लिए ही बने होते हैं वो। ओके, वो भी आपको मालूम है। तो ट्रू फॉर्म ऑफ बिजनेस जो ऑन पैसिव है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ओके, यहाँ पे सिस्टम बन बिल्कुल रहा है और यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी को लेके साथ में चला जा रहा है। जस्ट जस्ट बिजनेस नहीं बन रहा, एक टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी कौन सी, ऑटोमेशन वाली टेक्नोलॉजी जो आपके बिहाफ पे काम करेगी आने वाले दिनों में। ओके, तो ये सिंगल आईडी वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए कान खोल के। ओके, जब आप सिस्टम में आओगे, ओके, अभी हम फाउंडर हैं और इसमें आई थिंक बहुत सारे कुछ कुछ बोलर है, हमें तो बोला था बस एक बार पैसे देने हैं और उसके बाद कुछ नहीं देना, तो एक बार पैसे यही तो देने हैं, ये जो अभी पैकेज की कॉस्ट है, राइट, जो भी प्रोडक्ट का या जो भी होगा वो देने हैं, जो भी प्रोडक्ट वो एक बार ही तो वो है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हमने $97 दिए थे वो एक पोजीशन को होल्ड किए था हमने। ओके, वो कोई कोई किसी पैकेज वो किसी पैकेज की या किसी चीज की कॉस्ट नहीं थी, बट स्टिल आपके सीईओ ने उसको वहां पे मर्ज कर दिया है कि आपको तकलीफ ना हो। ओके, आपको तकलीफ ना हो, आपसे कोई पैसा ले रहा है, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट जो कि मार्केट में उसकी वैल्यू 6-7 हजार डॉलर की बिक रही है, आपको मात्र $125 में वो पैकेज दिया जा रहा है, बट स्टिल आपको हेल्प करने के लिए, क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, 3 महीने का बंडल इसलिए दिया गया है क्योंकि इसको स्टेबलाइज करना है ताकि उसके बीच में और कुछ ना हो और आप लोग स्टेबल होते जाओ, पैसे भी कमाओ और वो हो, इसलिए आपको भी पैसे वापस कर दिया जाए कि कंपनी जितना भी आपको हेल्प कर सकती है वो करेगी। ऑलमोस्ट 50% तो कंपनी ने आपको हेल्प ही कर दी है। ओके, आपके बिजनेस को चलाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने एक दुकान खोलनी है, आपका वहां पे 50 लाख रुपए दुकान का चलाने के लिए, उसको सामान डालने के लगता है, बट उसमें से 25 लाख आपको कोई वैसी आके दे जाता है कि ओके बेटा तू चला अपनी दुकान को, ये ले 25 25, ये तूने वापस नहीं करना। तो ये वैसे ही काम है, आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो तो क्या वो 50 लाख रुपए जो अपनी दुकान या अपनी रेहड़ी या अपना रिक्शा या अपना अदर कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप जब डालते हो तो क्या क्या वो डालते नहीं हो, क्या वो हल्ला करते हो कि मैं क्यों डालू, मैं क्यों डालू, मैं क्यों डालू। ओके, और वो 50 लाख आपका जिंदगी पर आप निकाल नहीं पाते, फिर सोचिए जरा, फिर कुछ वो इमीडिएटली आपको वापस नहीं आता, इतना मुश्किल है। बट यहाँ पे एक फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट आपको बोली गई है कि प्रोडक्ट है उसको आप ध्यान से सुन लीजिए क्या कर रहा हूं मैं, उसको आप परचेज करोगे, आप इन हो जाओगे, सिस्टम के अंदर आ जाओगे। अब सिस्टम आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए वर्क करेगा। ओके, वर्क कैसे करेगा, इन द फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। ओके, मार्केटिंग करनी रुक नहीं जाएगी, मार्केटिंग होती रहेगी, मार्केटिंग होती रहेगी, मार्केटिंग होती रहेगी। आप आओ चाहे ना आओ, आप पैकेज लो चाहे ना लो, तो जो मार्केटिंग होगी तो उससे क्या होगा, कस्टमर आ रहा है। कस्टमर किसके लिए आ रहा है, हमारे लिए ही आ रहा है। अगर आप सिंगल हो, हेलो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, अगर आप आए हो अगर सिस्टम में, बट आपको वो कस्टमर कब मिलेगा, जब आप अपना पैकेज बाय करोगे तब मिलेगा, पैसे नहीं बाहर रखे मिलेगा। ओके, फर्स्ट थिंग। नाउ द सेकंड थिंग इज दैट कि ये एक प्रोडक्ट आया है अभी, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, आठवां, दसवां, पता नहीं क्या क्या आने वाला है, राइट। हर एक प्रोडक्ट कॉस्ट होगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट को हमें लेना पड़ेगा, पहली बात। अब जहां पे आके आप अटक जाते हो कई बार, या आपको चीजें समझ नहीं लगती कि हमने दे दिया, हमें अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, हमें ये नहीं हुआ, हम तो लूट गए, हम तो बर्बाद हो गए। ओके, आप फिर ये फालतू की बातें करना शुरू कर देते हो, तो ऐसा नहीं है। कंपनी आपके बिहाफ के ऊपर जब जब मार्केटिंग कर रही है तो वो सारा कुछ हमें देने के लिए कर रही है। ऑलरेडी 7-8 लाख लोग जो यहाँ पे एज ए कस्टमर आ चुके हैं, जो मार्केटिंग से आए, वो किसको मिलने हैं, वो जो लोग पैकेज खरीद लेंगे उन्हीं को मिलने हैं।
जो ये जो लोग आप हल्ला कर रहे हो मैं नहीं दूंगा, तो रहिए बाहर रहिए और तमाशा देखिए फिर। ये लोगों को शायद वो जो आदमी आपको मिला था, वो जो जिसको एक मिला है शायद उसको दूसरा भी मिल जाएगा, क्योंकि वो इन है सिस्टम में, राइट। मे बी उसको दो चार पांच और मिल जाएंगे क्योंकि सिस्टम है, तो उसका तो चल पड़ा, आप बाहर बैठे देखते रहिए। सो ऐसा ऐसा सिस्टम में चलना है और ऐसा ऐसा ही करेंगे मिस्टर ऐश, और ऐसे ही कस्टमर आएंगे और ऐसे ही आपको टाइम टू टाइम दिया जाएगा। तो अब होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर से लोग भरे भरा पड़ा है सारा संसार, ओके। और सारे लोग कहाँ जाते हैं, जो नई चीज आती है, जो जो नई चीज आती है तो वहां पे वो लोग जाते रहते हैं, वो लोग चीजों को यूज करते रहते हैं जो भी नई चीज आती है, ओके। और ये कंपनी वैसी बनी है ऑन पैसिव, इसको एग्जैक्टली मालूम है कि अगर बिना प्रोडक्ट के, बिना एक भी चीज के, यहाँ पे मिस्टर ऐश 8 लाख या 9 लाख कस्टमर्स को ला सकते हैं। सोचिए आने वाले दिनों में होने क्या वाला है, जब रियल में ये सारा कुछ रियल में रेवोल्यूशन पैदा होने वाली है, रियल में एक आपको प्रोडक्ट आपका ओ कनेक्टेड धमाल मचाने वाला है, जब वायरल होने वाला है, जब किसी चीज को, फॉर एग्जांपल आप एप्पल का आईफोन 1.5 लाख रुपए का है, बट इंडिया में कोई कंपनी आए कि एप्पल का ही आईफोन है, ये लो बेटा मैं तुम्हें 10,000 रुपए में लेता हूं, आप लोग लाइने लगा लो। ऐसे ही हमारा ओ कनेक्ट है, 6,000 वाला, $5,000 वाला प्रोडक्ट $125 में मार्केट में आ रहा है, 10,000 अटेंडीज वाला, लाइने लगने वाली है यहाँ पे, ओके। लाइने जूम को छोड़ छोड़ के दुनिया यहाँ पे लेने वाली है, कस्टमर 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 कस्टमर, ओके। बहुत सारी 2 मिलियन प्लस मीटिंग्स डेली होती हैं यहाँ पे, ओके। तो वो लोग मीटिंग्स के लिए जूम यूज कर रहे हैं, उनके घर की कंपनी नहीं है, उनको जब देखेगा कि मेरा $6,000 बच रहा है, ओके, तो वो लोग 125 का यहीं पे आके बाय करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, और उसमें आपको नहीं बोल रहे मिस्टर ऐश कुछ करने के लिए। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि पैसा कैसे आएगा आपको, ओके। आप कह रहे हो कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, ओके, डन डील। आप ऐश को भी मालूम है कि सारे के सारे लोग मार्केटर नहीं होते, सारे के सारे लोग रिक्रूटमेंट नहीं कर पाएंगे, ये मिस्टर ऐश को मालूम है, इसलिए उन्होंने ये सिस्टम बनाया है, ओके? तो जब ऐश को मालूम है कि सारे के सारे रिक्रूटमेंट नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए वो सिस्टम को प्लेस किया गया कि यहाँ पे कंपनी जो है वो आपके बिहाफ पे काम करेगी। आप आओ तो सही अंदर एक बार, आपके भी यहाँ पे काम के आपको कस्टमर ला के देंगे, ओके। आज एक दिया है, कल को 2 देंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 10, ना जाने हजारों उसके बाद, ठीक है ना। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है एक चीज को बिल्ड करने का, ओके। तो बिल्ड, जब आप अपना बिजनेस करते हो, ये आपका बिजनेस है, इसको इसको आप या अपना ये कुछ मत सोचो कि MLM है या ऐसा, ये आपका बिजनेस है, ऑन पैसिव आपका बिजनेस, जिसकी पहली नींव आप सिर्फ $125 से $1,000,000,000 कमाने के लिए रख रहे हो,